अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है अब्रार और आप देख रहे हैं टेक्नो अब्रार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे MIUI 10 की 8.11.15 का। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छे एक फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक पहले तो यहाँ पे आपको एक फ़ीचर बता दूँ, जेस्चर काफ़ी स्मूथ हो गए हैं, ये पहला। और फिर होम स्क्रीन आप जैसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं और आप बटन्स देखेंगे तो इसका मैसिक में होता है वैसा हो गया। जी हाँ, मैं वीडियो आज कोई भी सब्सक्राइब आखिर में बोलूँगा, पहले नहीं बोलने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो चुका है MIUI 10 की 8.11.15 है। इसमें फर्स्ट ऑफ नवंबर का आपको सिक्योरिटी बेस्ट लेवल नहीं मिलता, पता नहीं क्यों Xiaomi ने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे पीछे बहुत आवाज़ होगी। यहाँ पे आपको एक अपडेट सेटिंग नया ये तो यहाँ पे एक आपको नया ऑप्शन मिलता है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज। तो यहाँ पे ये कुछ मुझे पता नहीं क्या कर रहा है, मोर था। तो इसमें फीडबैक और प्राइवेसी एंड पॉलिसी ऐड कर दिया गया, हर जगह प्राइवेसी एंड पॉलिसी ऐड कर दी गई है। तो हम चलते व्हाट्स न्यू में। तो यहाँ पे अब लिखा है कैलेंडर में आपको हिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और जीमेल इवेंट में, तो उसे फिक्स किया गया, दूसरा कुछ भी नहीं लिखा। तो दोस्तों इसमें एक बहुत बढ़िया अपडेट आया है, मैंने इसका पूरा पहले रिव्यू है पूरा रिकॉर्ड किया, लेकिन ये फीचर मुझे बाद में मिला जो था ये साउंड रिसोर्सेज में। दोस्तों यहाँ पे आपको एक सिस्टम साउंड करके एक ऑप्शन मिलता है, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने ऑन किया है तो आप सिस्टम साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले था नहीं मैं, क्योंकि ऑफिशियल इसका Xiaomi का रिकॉर्डर पहले से यूज़ करता हूँ, मेरी चैनल बनाई तब से। हाँ, अगर मैं कोई लाइक किसी कस्टम रूम में चला जाता हूँ वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर सपोर्ट नहीं है कोई एंड्रॉयड पाई की, तो मैं यहाँ पर दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ। तो इसमें एक अच्छा फीचर आया है दोस्तों कि आप दोस्तों सिस्टम में आप दोस्तों कर सकते हैं अपडेट, यहाँ पे सिस्टम साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वरना ये पहले नहीं था, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे साउंड को सिस्टम के। तो यही था कुछ, और कुछ भी ज़्यादा मुझे मिला नहीं है। सिस्टम थोड़ी अच्छी हुई है दोस्तों, बाकी कुछ भी नया नहीं आया इसमें। तो अगर आपको डाउनलोड करनी है रोम तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पूरा MIUI 10 के स्टेबल अपडेट में, तो आपको फुल रोम डाउनलोड करके सिस्टम अपडेट में चूज अपडेट पैकेज करके आपको रोम को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। आप डिक्रिप्ट होने के बाद प्लीज़ कैंसिल मत कीजिए अगर आप स्टेबल से बीटा कर रहे हैं तो, और आपका पहले बैकअप ज़रूर ले लें। तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें नया, ना आपको 4K रिकॉर्डिंग मिल देना, या पबजी को HD मोड में खेल पा रहे हैं। हाँ, हेड आपको ज़्यादा मिलेगी, फिंगरप्रिंट और फेस डेटा दोनों ही काम करे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो कुछ भी ज़्यादा इसमें नया नहीं है दोस्तों, यही 3-4 चीज़ें नहीं थी जो मैंने आपको बता दी। जेस्चर तो आपको काफ़ी स्मूथ हो गए दोस्तों पहले से, तो आप बहुत ही अच्छी बात है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट हो गए। और आप जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो बैक जाना होता था मुझे पूरी तरह से यहाँ पे पूरा खींच देना था, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दूसरे ऐप में चला जाता हूँ, जो कि एक अच्छी बात है। तो मैं आज इतना ही था खेल इस MIUI 10 के 8.11.15 में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।